इज़्ज़त मआब नजीब जंग साहब, आली जनाब प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी साहब, प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवाई साहब सिक्योरिटी गालिब इंस्टीट्यूट, प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब और मुअज्जज हाजरीन, इससे पहले कि इस जलसे का बाकायदा आगाज़ हो, ये हमारी खूबसूरत रिवायत रही है कि हम मेहमानों का इस्तकबाल फूलों से करते हैं। प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवाई साहब से दरख्वास्त है कि आप इज़्ज़त मआब नजीब जंग साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश फरमाएँ। डॉक्टर महसर रजा साहब से दरख्वास्त है कि आप प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी साहब की खिदमत में फूल पेश फरमाएँ। मैं प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब को अपनी और तमाम हाजरीन की जानिब से गुलदस्ता पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। मुश्ताक अहमद साहब से दरख्वास्त है कि आप प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवाई साहब की खिदमत में फूल पेश फरमाएं। मुअज्जज़ ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत तरीन लम्हात में से हमारे लिए वक्त निकाला। इसमें कोई दो राय नहीं कि गालिब इंस्टीट्यूट अपने इल्मी, अदबी और सकाफती कामों की वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि उर्दू और फारसी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ मुनक्किद होने वाले सेमिनार, मुशायरे, ड्रामे और दूसरे सकाफती प्रोग्राम हमारी तहजीबी ज़िंदगी का जुज़ बन गए हैं, जिसके लिए मैं गालिब इंस्टीट्यूट के तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात, गालिब इंस्टीट्यूट हर साल माह दिसंबर में गालिब तकरीबात का इनेकाद करता आया है, लेकिन गुज़िश्ता दो साल से हमारे मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि हमारी सारी सकाफती सरगर्मियों पर पहरे बैठ गए। इस दौरान जबकि इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करना मुमकिन नहीं था, गालिब इंस्टीट्यूट ने कई अहम कौमी व बैन अल-अक़वामी वेबिनार, खुतबात, उर्दू फारसी और मौसीकी की क्लासेस, हर माह सब ड्रामा ग्रुप के तहत मुलाकात एक फनकार से नीज दिगर तकरीबात का इनेकाद किया, जिसकी मुल्क और बैरूनी मुल्क में काफ़ी पज़ीराई हुई। हर बरस की तरह मिसाल भी गालिब इंस्टीट्यूट में बैन अल-अक़वामी गालिब सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। इस सेमिनार में मुल्क व बैरूनी मुल्क के नामवर अदीब दानिश को मदऊ किया गया है। सेमिनार का मौजू है मासिर उर्दू अदब में नए तख्लीकी रवैये, जिसके तहत उर्दू शायरी असली फिक्शन है। 12 और 13 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मकालात पेश किए जाएंगे। इस मौजू पर मुल्क और बैरून मुल्क से आए हुए स्कॉलर्स गुफ्तगू फरमाएंगे। इन स्कॉलर्स की गुफ्तगू के बाद हम एक अच्छे नतीजे पर भी पहुँचेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम तकरीबात में शिरकत फरमा कर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गालिब इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवाई साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप तारुफ़ी कलमात पेश फरमाएं। प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवाई साहब, जनाब इज़्ज़त मआब नजीब जंग साहब, प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब, प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, गालिब इंस्टीट्यूट का एक सालाना इजलास हर साल होता रहा है और उमूमन इसकी तारीखें दिसंबर के आखिर में होती हैं, मगर इस साल दिल्ली में कुछ हालात ऐसे थे वबा की वजह से और बहुत सी चीज़ों की वजह से कि हम ये सेमिनार उस वक्त नहीं कर सके,
और हमने महसूस किया कि अगर इसे कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया जाए तो शायद ये बेहतर होगा। इसी वजह से लोगों का मूवमेंट दिल्ली में बहुत कम हो गया था और गालिब इंस्टीट्यूट में भी जिस तादाद में लोग आया करते थे उस तादाद में इधर नहीं आए, लेकिन अब धीरे धीरे वो तब्दीली आ रही है। और मुझे खुशी है कि इस साल मार्च में जो हमने वही सेमिनार रखा वो उम्मीद करता हूँ मैं कि आखिर वक्त तक सारे मकाला निगार और सामईन आ जाएंगे और हमारा ये सेमिनार कामयाब होगा। मैं ख़ास तौर से जनाब नजीब जंग साहब का इस्तकबाल करता हूँ। नजीब जंग साहब हमारे बड़े पुराने सरपरस्त हैं, दिल्ली वाले हैं तो ज़ाहिर है गालिब के बारे में उनके से कुछ कहना ज़्यादती होगी, लेकिन उनको हमेशा अदब से और इल्म से दिलचस्पी रही है और ख़ास तौर से गालिब इंस्टीट्यूट की उन्होंने बहुत सरपरस्ती की है, खुसूसन उस ज़माने में जब वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तो उनकी वजह से हमें बहुत मदद मिली। उन्होंने ख़ास ज़ाती दिलचस्पी इसके इदारे में ली और अब भी और आइंदा भी मैं समझता हूँ कि उनका ताल्लुक हमारे इस इंस्टीट्यूट से बहुत गहरा रहेगा और उनकी वजह से हौसला मिलेगा यहाँ के लोगों को अपने मैदान में काम करने का। तो मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। विश्वनाथ त्रिपाठी जी हिंदी के बहुत बड़े अदीब हैं और उनसे हमारा और गालिब इंस्टीट्यूट का बहुत पुराना ताल्लुक़ है, लिहाजा उनका आना भी हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और अतीकुल्ला साहब गालिब इंस्टीट्यूट के एक रुकन हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही पुराने सीनियर प्रोफेसर हैं और हमारे प्रोग्रामों में और हर साल तकरीबन हर जलसे में उन्होंने मकालात पेश करके बहुत अहम हिस्सा लिया है। तो मैं आप सबके खिदमत में उन लोगों को का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इस बात की मुझे ख़ास खुशी है कि उन लोगों ने हमारी दावत पर यहाँ आना कबूल किया। गालिब के सिलसिले में मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ये इंस्टीट्यूट जो गालिब के नाम से है, इसमें हमने सिर्फ गालिब की ज़िंदगी तक इसे महदूद नहीं रखा, न गालिब के शागिर्द और उनके हम असरों तक ही महदूद रखा। इन सब पर हमने सेमिनार्स किए, बहुत कामयाब सेमिनार हुए और वो शाये भी हुए। तकरीबन 250-300 किताबें हमने शाये की हैं जो मकबूल हुई और अब भी हमारे यहाँ उसमें से कुछ मौजूद हैं। तो लिहाजा गालिब के बारे में और गालिब के से मुतालिक मज़ामीन और मकालात और तहकीक के काम तो हमारे यहाँ बहुत हुए, लेकिन साथ ही साथ हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि अदब का दायरा और ज़िंदगी का दायरा इतना बड़ा है कि वो किसी एक खाने में समाता नहीं है, ख्वाह वो गालिब के नाम से ही क्यों रखे हैं, क्योंकि गालिब की खुद शायरी, उनके खुदूत और उनका पूरा रवैया और उनका मिजाज जो था वो एक महदूद नहीं था, बल्कि उनको पढ़ें आप तो आप महसूस करेंगे कि दुनिया के और कायनात के न जाने किन किन मसाइल और किन किन रवैयों पहलुओं की तरफ वो आपको ले जाते हैं। तो लिहाजा हमने इस गालिब इंस्टीट्यूट के सेमिनारों का दायरा बहुत वसी रखा और ज़िंदगी और अदब के हर पहलू को हमने इसमें शामिल किया। चुनाचे आज के जिस सेमिनार का इफ्तिताह हो रहा है उसका मौजू भी हम असर तख्लीकी रवैये गालिब के नाम से हमने उसे वनवन किया है और हम समझते हैं कि ये हमारा मकसद ये है कि हम आज की ज़िंदगी की तरफ और आने वाली ज़िंदगी की तरफ नज़र रखें और ये देख रवायती तौर पर हम क्लासिकी अदब और बुज़ुर्गों के कामनामों में ही महदूद न रहें, बल्कि हम ज़िंदगी और मुल्क और अपने मुस्तकबिल की तरफ भी ख्याल रखें। और इसी के पेश नज़र हमने गालिब इंस्टीट्यूट में हर साल नई नस्ल के लोगों को किसी न किसी तरह से शामिल रखा है और ऐसे सेमिनार किए हैं जो उनके लिए मखसूस हैं।
हमारे यहाँ एक रिसर्च स्कॉलर्स का सेमिनार होता है जिसमें हिंदुस्तान की सभी यूनिवर्सिटियों के रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं, और उसके अलावा अंडर ग्रेजुएट्स और कॉलेजेस और स्कूलों के तलबा के लिए ऐसे कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं। और सेमिनारों में हम इस बात की ख़ास कोशिश करते हैं कि नई नस्ल के लोग और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले और कॉलेज में पढ़ने वाले या उससे बाहर भी जो लोग कुछ काम कर रहे हैं वो हमारी तरफ तवज्जो करें और हमारे इंस्टीट्यूट में आएँ। और वो अमूमन आते हैं और उनकी वजह से हमारे ये सेमिनार बहुत कामयाब होते हैं। तो मुझे खुशी है कि ये इस सेमिनार का इफ्तिताह जो हजरात कर रहे हैं वो ख़ुद अपनी जगह पे बड़े नामी ग्रामी हजरात हैं, और उनका आना हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की और हौसला अफजाई की बात है, और मैं उनका सबका इस्तकबाल करता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्याल का इजहार करें। अब मैं दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़्ज़त मआब नजीब जंग साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप बैन अल-अक़वामी सेमिनार का इफ्तिताह फरमाएं। जनाब नजीब जंग साहब, हमारे बड़े भाई भाई साहब त्रिपाठी साहब, प्रोफेसर साहब, शाहिद भाई, मैं एहसानमंद हूँ विद्वाई साहब का कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया, क्योंकि जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक है मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को एड्रेस करूँ। ये ज़रूर है कि दिल्ली वाला होने के नाते गालिब से मेरा बहुत ये करीबी ताल्लुक है, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि दीवान को अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने का मुझे मौका मिला, और वो भी किस्मत की बात थी कि मुझे एक ऐसे काबिल उस्ताद मिल गए खालिद महमूद साहब, जिन्होंने 10 साल हमारे साथ लगाए और वो हम काम को कर सकें। अभी जब मैं बाहर से अंदर आ रहा था तो कुछ जर्नलिस्ट ने मुझे रोका था ये कहने के लिए कि साहब उर्दू की तरक्की के लिए क्या हो रहा है, उर्दू पिछड़ रही है। मेरा अपना मानना ये है कि 1950s-60s में ज़रूर उर्दू ज़बान को एक धक्का लगा था, क्योंकि पार्टीशन के बाद एक फीलिंग थी कि शायद उर्दू ज़बान पाकिस्तान की ज़बान है, लेकिन आज मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि जिस तरह उर्दू को पसंद किया जा रहा है एक यंगर जनरेशन में, और उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है रेख्ता फाउंडेशन जो अपना सालाना सेमिनार करता है, कि जो छोटे से हॉल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में शुरू हुआ था आज से 10 साल पहले, और अब उनको एक स्टेडियम हायर करना पड़ता है कि इतने हज़ारों लोग वहाँ पर जाते हैं सुनने के लिए, और तरह तरह के उर्दू के फंक्शंस होते हैं जिसमें मुशायरे भी हैं और सेमिनार्स भी हैं और ड्रामे भी हैं, और गालिब को पढ़ा जाता है, इकबाल को पढ़ा जाता है, और ये सब नौजवान दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, कोई अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हैं। सो ये ज़ाहिर करता है कि इस ज़बान की जो मिठास है, इसकी जो लोच है, ये कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन अगर उतनी नहीं पहुँची है जितना पहुँचना चाहिए, उसमें सरकार की गलती नहीं है, उसमें गलती हम सब की है, ये कौम की गलती है, ये हम सब की गलती है कि इसको हम बता नहीं पाए हैं अपने जनरेशन को। अगर हमारे अपने बच्चे यहाँ नहीं मौजूद, अगर हमारे नेबर्स यहाँ नहीं मौजूद, तो फिर सरकार को आप कैसे दोषी मानते हैं। किसी ने कहा कि साहब उर्दू टीचर्स नहीं रिक्रूट किए जा रहे हैं,
मैं नहीं समझता कि रिक्रूटमेंट की प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ टीचर्स नहीं मिलते हैं, और अगर टीचर्स मिल जाए तो स्टूडेंट्स नहीं मिलते। तो इसको तो हमको सबको ठीक से सोचना पड़ेगा कि ये हमारे कल्चर का जो एक इतनी बैकबोन है उसको हम किस तरह से बैकअप करते हैं। गालिब इंस्टीट्यूट जो काम कर रहा है ये बेमिसाल है। मुझे याद है अपनी वालदा के ज़माने से, मेरी वालदा यहाँ दरियागंज में रहा करती थी और बार बार कहा करती थी कि ऐवान गालिब चलेंगे क्योंकि फलाना फंक्शन है, फलाना फंक्शन है। तो अब कितना हो रहा है, सिद्दीक भाई कितना काम कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने भी कुछ फंक्शंस अटेंड किए हैं, लेकिन इनको ताकत कौन देगा? तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने यहाँ मौजूद हैं अगर अपने मोहल्लों में जाके इस बात की ये बात करें लोगों में कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये ज़बान आगे बढ़े। हमारे वालदेन का जनरेशन ख़त्म हो गया, वो तो सब अगर वो लोग होते तो मैं समझता हूँ कि हॉल भरा रहता। सिद्दीक भाई आपको, आपका मैं बहुत पुराना मुरीद हूँ क्योंकि जिस किस्म का काम आप कर रहे हैं और करते आए हैं उर्दू के लिए वो बेमिसाल है। और यूनिवर्सिटीज़ जो काम कर रही हैं, हमारी जामिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर अच्छे बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, लेकिन वो बच्चे किस हद तक इस ज़बान को पॉपुलर कर सकते हैं, उनको कौन शक्ति दे रहा है, ये हम सब पे है। तो आपके सेमिनार के लिए सिद्दीक भाई बहुत मुबारकबाद, और मुझे उम्मीद है कि कल जब लोग यहाँ पर बोलने आएंगे और बातचीत होगी तो ये हॉल भरा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात, आप इज़्ज़त माप नजीब जंग साहब के इफ्तिताही कलमात समात फरमा रहे थे। जनाब प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी साहब को अपने घर जल्दी जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। मैं हिंदी के नामो अदीब व दानिश्वर जनाब प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने सदारती तकदीर फरमाएं। जनाब नजीब जंग साहब, जनाब नजीब जंग साहब से शिकायत है, वो फोटो भी इतने खूबसूरत क्यों नहीं दिखाई पड़ते जितने कि सामने दिखाई पड़ते। पहली बार मैं उनको देख रहा हूँ। पढ़ा लिखा शरीफ आदमी, बड़ा आदमी, उसका उठना बैठना बोलना वगैरह कैसा होता है, बहुत असर पड़ता है। किदवई साहब के आगे में कोई विशेषण नहीं लगाना चाहता, शायद वो बहुत पसंद भी न करें, पुराना याराना है हमारा उनसे। वो मुझे यहाँ याद करते हैं, उससे मेरी इज्जत बढ़ती है। अताकुल्ला साहब की जो जानकारी है, जो उनकी स्कॉलरशिप है, लिटरेचर और अदब में उनकी जो इंसाइट है, उसको हम एक अरसे से जानते हैं। यहाँ के डायरेक्टर जनाब इदरीस साहब ने हमें इज्जत बख्शी, हमें बुला करके बीच बीच में फ़ोन करके कई बार। दोस्तों, आज से करीब 60 साल पहले हिंदी के एक शायर
अवध के जो थे त्रिभुवन शास्त्री, उन्होंने गालिब पर कविता लिखी थी जिसका उन्मान था कि गालिब अपने हैं। ये ठीक फरमाया रजीब साहब ने कि इस तरह जो हिंदी वाला है, जिसे आप हिंदी वाला समझते और कहते हैं, वो किसी सभा सोसाइटी सेमिनार में बैठने लायक ही नहीं मानता जाना जाता जो मीर और गालिब के अशार नहीं पढ़ सकता ठीक से। ये हिंदी समाज की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो मीर गालिब, नज़ीर अकबर आबादी, फिराक, दोस्त जिगर फैज, इनके बारे में नहीं जानता, उसको हम इस लायक नहीं समझते कि उस अदब पर बातचीत करें। इसलिए आप इससे नसाखातिर रहें। ऐवान गालिब वैसी जो इंस्टीट्यूट हैं, अब नहीं उनके महत्व का पता चल रहा है, पहले नहीं चलता था उतना पता, आज के दौर में, आज के ज़माने में ज़्यादा पता चल रहा है कि जिन लोगों ने ऐसे इंस्टीट्यूट कायम किए थे उनकी निगाह कितनी दूर तक देखती थी, वो कितना जानते थे और उसकी अहमियत आज पता चल रही है। जब हम यहाँ आते हैं, जब हमें इनविटेशन मिलता है, लोगों को देखता हूँ, गालिब का नाम, गालिब की शायरी, गालिब पर बातचीत होती है, तब मैं मुतमईन हो जाता हूँ कि हिंदुस्तानी कल्चर, भारतीय संस्कृति जिंदा है और ज़िंदा रहेगी। आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए, ये गैरियत बिल्कुल नामुनासिब, गैरियत है ही नहीं, ख़ास तौर पर कल्चर और अदब के मामले में। अगर दिखलाई भी पड़ती है तो बहुत देर तक रहने वाली नहीं है। लंबी तकरीर नहीं करनी मुझे, सिर्फ एक बात कह करके मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। मुझे कि तकनीक साइंस नहीं है। पहले ज़माने में ये होता था, हम लोग मानते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि जब आदमी की जानकारी बढ़ती है तो उसकी भावनाएं भी बढ़ती हैं। जानकारी बढ़ने के साथ साथ उसकी भावनाओं का भी विस्तार होता है। इसका बड़ा भारी फिलासफी है संस्कृत में। अब ऐसा दिखलाई पड़ता है कभी कभी कि ये जो साइंस है वो टेक्निक तो दे देता है और उस टेक्निक का इस्तेमाल एक्सप्लॉयटर और ज़्यादा एक्सप्लॉयट करने के लिए करता है। तो होता यह है कि जो ज्ञान है, जो जानकारी है, वो जो ये कहा करता था कि भावना का विस्तार करता है, वो भावना का विस्तार तो करता है लेकिन उसके उससे ज़्यादा वो एक्सप्लॉयटेशन का मीडियम ज़्यादा साधन बन जाता है। और होता यह है कि सड़कें चौड़ी बनी। ये अजीब है कि हिंदी अदब में, हिंदी शायरी में, लेटेस्ट आजकल की हिंदी शायरी है, उसमें चौड़ी सड़क एक ईडियम है, प्रतीक है एक्सप्लॉयटेशन का। चौड़ी सड़क गली पतली थी, रघुवीर साहब की नज़्म है। तो सड़क तो चौड़ी हो गई, ठीक है, लेकिन उसमें किनारे को चाय वाले थे, पान वाले थे, मूँगफली बेचने वाले थे, कुलचे बेचने वाले थे, गन्ना बेचने वाले थे। हिंदुस्तान की सरजमीन ऐसी है कि हर मौसम में कुछ न कुछ ऐसा पैदा करती है जिसे बेच कर लोग कमा लेते हैं। वो सब क्या हुए, उन सब की फिक्र, खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिनहा हो गई। तो ये इसका कभी कभी ये टेक्निक एकदम से इतना आगे बढ़ जाती है, हम बहुत चक्के रह जाते हैं।
और ये कहा करते हैं कि मार्क्स ने कहा था कि कभी कभी कुछ हफ्ते कुछ सदियों का काम करने लगते हैं। अभी मैंने फारूकी साहब का छोटा सा नाम निकला है, उर्दू में पहले निकला हुआ, दो चार साल पहले हिंदी में भी आया है, कब्ज़े ज़मा। मेरा ख्याल है कि मैं नाम ठीक उच्चारण कर पा रहा हूँ, कब्ज़े ज़मा। तो उसमें यह है कि उसका जो नायक है वो है तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी के ज़माने का, लेकिन वो दो तीन आए वो वहाँ की तवायफ थी बड़ी मशहूर, अमीर जान उनके कब्र में जाता है, दो घंटे रहता है तो बाहर निकलता है, तो वो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में आ जाता है। तो कभी कभी ये दिखलाई पड़ता है कि एकदम से हम बदल गए, एकदम से कुछ जगदर हो गया। वो भगवान करता, खुदा करता कि इतनी सचमुच विकास इतना हम करते, शताब्दियां छलांग जाते। कभी कभी हम विकास में, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में गड़बड़ कर देते हैं, ग्रोथ को डेवलपमेंट समझ लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे पीछे दाहिने बाएं ये देखना शायरी का काम है। शायरी जिसे संस्कृत में करुणा कहा जाता है, शायरी के सबसे बड़ा लक्षण करुणा भावभूत ने माना है, और वही शायरी है। और ये शायरी ही जिस करुणा का, इंसान से इंसान के संबंध का, और इंसान का इंसान के ही संबंध का नहीं, इंसान से हर चीज़ का संबंध, पहाड़ से, पर्वत से, नदी से, दारी से, पशु पक्षियों से, इंसान कितनी मोहब्बत करता है, वो पहाड़ से, नदी से, समुद्र से, आसमान से, आग से, पानी से कम मोहब्बत करता है, इंसान से कम मोहब्बत इंसान से नहीं करता है, क्योंकि आदमी खुद नेचर है, आदमी खुद नेचर का ये पार्ट है, वो अपने आप को या समझने लगा है। यानी आदमी तो है वस्तुतः नेचर का हाथ और पैर है, जिसकी वजह से अपने आप को तोड़ता फोड़ता रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि शायरी पर यकीन, इस हिंदुस्तानियत पर यकीन, खालिक पर यकीन, इंसानियत पर यकीन, और मुझे बड़ी खुशी है कि किदवई साहब के रहनुमाई में, इदरीस साहब के इंतज़ाम में ऐवान ग़ालिब अभी हमारी कल्चरल बहबूदी, उसके विस्तार, उसकी उन्नति, उसकी तरक्की का प्रतीक बना हुआ है और काम कर रहा है। आदाब। एक बात मैंने नहीं बताई थी कि विश्वनाथ त्रिपाठी साहब की अहलिया हॉस्पिटलाइज हो गई हैं रात, और आप इसके बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं और ग़ालिब स्टूडेंट आपके एहसानमंद हैं, बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इन हालात में भी ग़ालिब स्टूडेंट में आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वनाथ त्रिपाठी साहब। हजरात, मैं इस पुरमक्स सदारती खिताब के लिए प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी साहब का बेहद मशहूर और ममनून हूँ। मेरी उर्दू के मारूफ नक़ाद व दानिश्वर प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब से गुजारिश है कि आप कलीद खुतबा इरशाद फरमाएं। प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब। जनाब आली जनाब नजीब या जंग साहब, साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर रियासत दिल्ली, अमीर जाम साबिक अमीर जामिया जाम मिलिया इस्लामिया, जनाब प्रोफेसर सदीकी रहमान किदवाई साहब, असातज़ा तो शुमार होता ही है, लेकिन हम यही कहेंगे कि इनके जो शागिर्द हैं और जो शागिर्द पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, उनकी तादाद का आप शुमार नहीं कर सकते। हम लोगों ने उनसे डायरेक्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि 19वीं सदी की इल्मी, तहज़ीबी और
अदबी ज़िंदगी पर, माहौल पर, निशब्दस्तानिया पर जो आपकी नज़र थी, जो आपकी नज़र हमेशा रही है, उसमें गालिब का भी शुमार होता है। तो आप तो जब भी हमें 19वीं सदी के अदब की और उस उन इदारों की ख़ास तौर पर जो कि 19वीं सदी में बड़े फ़ाल थे, हमें उनकी जस्तजू होती है, तो हम कदवाई साहब से ही रुजू होते हैं। जहाँ तक विश्वनाथ त्रिपाठी साहब का सवाल है, हमारे बहुत पुराने कलीग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उर्दू से हमेशा बहुत मोहब्बत की है, और हिंदी के अलावा जब भी कोई उर्दू का मामला होता था वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपने शोबे उर्दू को हमेशा याद किया है और उसके साथ इनका रवैया हमेशा बहुत तहसीन आमेज रहा है। मैंने ये भी महसूस किया कि जब भी वो गुफ्तगू करते हैं तो त्रिपाठी साहब की जो ज़बान है वो हिंदी बहुत कम है, उर्दू आमेज़ ही ज़्यादा है। इसलिए किसी भी जलसे में जब भी उनको देखा है और सुना है, तो हमने बल्कि इनकी क्लासों में भी देखा है कि आप उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल उसी तरह से ज़्यादा करते हैं जिस तरह से हिंदी शायरी और हिंदी अफसाने में आज किया जा रहा है। मैंने हालांकि मासिर अदब के रवैये पर लिखा भी है यह आर्टिकल, और मैं लिखने का चोर भी नहीं हूँ, लेकिन चूँकि ये लिखते हुए कुछ बातें ज़्यादा हो जाती हैं और कुछ बातें छूट जाती हैं, तो इसलिए बेहतर यह है कि हम कम से कम लफ्ज़ों में और बेहतर से बेहतर जामे शक्ल में अपनी बातें किस तरह से पेश करें, ये सबसे बड़ा मसला है। हालांकि जब ये उन्वान कायम किया गया था तो उस वक्त मैं भी मौजूद था और मेरी राय भी शामिल थी इसमें। मुझे याद आ रहा था, और शायद हो सकता है कि आप में से जो पुराने रिसाइल पढ़ते होंगे तो उन्हें इल्म होगा कि 60-70 साल पहले जब तरक्की पसंदी जवाल पर थी और जदीदियत का आगाज़ हुआ था, उस वक्त दो मसले हमारे सामने थे और यही उस जमाने के रिसाइल में बहुत सरगर्म रहे थे। एक तो जमूत का मसला था कि अदब में जमूत तारी है, और नंबर दो दूसरा मसला ये था कि मासिर अदब क्या है। ज़ाहिर है कि ये तरक्की पसंद तहरीक के जवाल के वक्त और ख़ास तौर पर भिवड़ी कॉन्फ्रेंस 47 के बाद ये मसला तरक्की पसंदों के लिए बहुत अहमियत का हामिल था कि अब इसे हम इस दौर के रुझानात को क्या नाम दे सकें, क्योंकि बहुत से तख्लीकी अदीब जो जहनो ज़मीर की आज़ादी के कायल थे वो भिवड़ी कॉन्फ्रेंस के बाद बदल हो गए थे। उसमें खलील उमान आज़मी भी थे, उसमें अनीस हफीज भी थे और वहीद अख्तर भी थे, ये तमाम जो वहाँ उस वक्त सफ़ों में इंतशार हुआ, तो नई नस्ल के सामने उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक आज़ादी ज़मीर का मसला था। तो मासिर अदब पर जो गुफ्तगू हुई उस वक्त, तो उस वक्त भी ये मसला उठा था कि हमें इसका तारीख का तयन क्या किया जाए। जैसा कि आज भी अगर आपने हो सकता है कि इस बात पर गौर किया हो कि आज जो ये सेमिनार हो रहा है इसमें तारीख का तयन किस तरह से किया गया होगा, ये बहुत बड़ा मुश्किल मसला है। तरक्की पसंदों के ज़माने में तो चूँकि तकसीम वतन का सानहा वाक़ हुआ था, इसलिए उस वक्त उस दौरानिए में बहुत से नए रुझान सामने आए थे, इस्लामी मजहब के, इस्लामी अदब के भी आए थे और पाकिस्तानी अदब के भी आए थे, और तरक्की पसंद अदब भी था और हल्का अरबाब ज़ौक़ के जो शौरा थे, रदीब थे, एजाज बटालवी, यूसुफ ज़फ़र, रुकैय नज़र और मिराजी, उस सबका दिमाग थे हल्के के, वो तमाम हजरात उस वक्त भी मौजूद थे। लेकिन इसमें वो हजरात जो कि इन दोनों तहरीकों से, इन दोनों बड़े रुझानात से अपने आप को दामनकश रखा था जिन्होंने, वो बड़े अदीब उसके बाद भी हक़ और ईमान को न तो तरक्की पसंदों ने अपनी सफ़ में शामिल किया, न जदीदियत वालों ने शामिल किया,
قرۃ العین کو بھی کسی طرح سے شامل نہیں کیا, دو صفوں میں شامل نہیں کیا گیا. تو اس طرح سے جو اس زمانے کے بڑے منٹو کو کبھی یہی ہوا کہ ہمارے جدید لکھنے والوں میں خود سب سے بڑے ہمارے بزرگ نقاد اور جن کے جو ہمارے لیے بہت معزز ہیں وہ شمس الرحمٰن فاروقی ہیں. شمس الرحمٰن فاروقی نے بھی منٹو کو نظر انداز کیا. اب اس سے آپ سمجھ لیجیے کہ خون کی اپنی یعنی رسالے کی اپنی ایک منصوبہ بندی تھی, وہ ایک تحریک کی شکل میں شروع ہوا تھا, اس لیے اس میں وہی شعرا اور وہی افسانہ نگار شامل ہو سکتے تھے جو کہ شبخون کے رویے اور شبخون کی منصوبہ بندی اور شمس الرحمٰن فاروقی کے جو تصورات ہیں ان تصورات کو جو پسند کرتے ہوں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت وہ صفحے بالکل سامنے تھی, لیکن ترقی پسند بڑے شعرا جن کا طوطی بول رہا تھا اور جن کے اس زمانے میں نہ تو آپ سردار جعفری ہو یا احمد ندیم قاسمی ہو یا کیفی اعظمی ہوں یا اور دوسرے یا حیدرآباد کے کچھ شعرا تھے اور مختلف مدعو محی الدین خاص طور پر اس میں سب سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور حیدرآباد اس وقت گڑھ تھا ترقی پسندوں کا. تو یہ تمام بڑے شعرا اس وقت ان کا طوطی بول رہا تھا اور ان کے یہاں بھی بڑا مسئلہ تھا. فیض احمد فیض لاہور میں تھے اور ان کے یہاں عام ترقی پسندوں کا لب و لہجہ, عام ترقی پسندوں کا جو اسلوب عمومی رویہ تھا اور عمومی طریقہ کار تھا وہ طریقہ کار نظر نہیں آتا. ان کی اپنی ایک الگ راہ ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ کون ترقی پسند ہے اور کون ترقی پسند نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جب شبخون شروع ہوا, اس سے پہلے ظاہر ہے شبخون نے اس وقت کوئی نیا کام نہیں کیا تھا, یعنی اس سے پہلے نیا دور کے جدید نظم نمبر وغیرہ شائع ہو چکے تھے جس میں محمد علوی اور بلاد کمل وغیرہ یہ سب ہی شامل تھے, اس میں امیر خصفی وغیرہ بھی شامل تھے اور انہوں نے تجزیے کیے تھے افسانوں نظموں کے. تو اس لحاظ سے جدید نظم نمبر 1961-62 کا ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ نیا دور کے تینوں شمارے اس بات کے مظہر ہیں کہ جدیدیت کی جو کا ایک جو رجحان ہے اس سے قبل ہی ایک مضبوط ایک اور ایک مستحکم آواز کے طور پر میرا جی کے گروہ نے جو کام کیا تھا وہ اپنا اثر دکھا رہا تھا. اس لحاظ سے شروع میں تو ترقی پسندوں نے اس مہازارائی کو اہمیت نہیں دی, بعد میں انہوں نے دبے لفظوں میں ان کی تنقید بھی کی, لیکن ہم بہرحال یہ جانتے ہیں کہ میرا جی کے بعد ترقی پسند تحریک کا اثر تو زائل ہو گیا لیکن اس کے بعد شبخون نے جدیدیت کو ایک تحریک میں بدل دیا تھا. اب جمود کے معنی یہ تھے کہ حسن عسکری صاحب نے یہ جمود کا نعرہ جب بلند کیا تھا جب وہ پاکستان میں تھے, اور یہ مسئلہ یوں شاید اس لیے کیا ہو کہ تمام صفوں میں انتشار تھا اور کہیں سمبندی نہیں تھی اور کئی شعرا اور کئی ادیب جو کہ اس زمانے میں ترقی پسند تھے وہاں جا کے وہ جدید ہو گئے تھے یا پھر بھٹک گئے تھے. اس لحاظ سے ایک بڑا مسئلہ تھا. حسن عسکری نے جب جمود کا دعویٰ بلند کیا تو کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا, لیکن حسن عسکری ذہنی انتشار کے بہت شکار رہے. انہوں نے اسلامی ادب اور پاکستانی ادب کی تحریک کا بھی ساتھ دیا اور پھر آخر میں تو انہوں نے ستارہ یا بادباد انسان اور آدمی دونوں یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ آ رہا تھا کہ یہ انہی کی کتاب ہے یا جرات ساقی کی جرات جو اداریے ہیں کیا یہ انہی کے لکھے ہوئے ہیں, اس پر بھی شک ہونے لگا تھا. بہرحال آج کے پیریڈ میں تخلیقی رویوں پر گفتگو جب بھی ہوگی تو سب سے پہلے سوال یہی اٹھے گا اور وہ سب سے پہلے یہ سوال کرنے والا میں ہی ہوں کہ جہاں تک رویے کا سوال ہے ہم اسے ایٹیٹیوڈ کے طور پر لیتے ہیں, کوئی اسے ٹرینڈ کے طور پر نہیں لیتا ہے. اگر ہم ایٹیٹیوڈ کے طور پر لیں تو ایک نفسیاتی ٹرمینالوجی کی چیز ہے یہ. اگر ادب میں دیکھیں تو یہ رویے جا کر سلسلہ رجحانات سے ہی ملتا ہے. یہ آپ کسی بھی رویے کا ذکر کریں گے تخلیقی ادب میں, چاہے وہ افسانہ اور ناول ہو, خواہ وہ نظم ہو
या गज़ल हो, ये तमाम असनाफ अदब, चाहे वो नसर हो, नसरी हो, चाहे वो मंजूम हो, इन तमाम असनाफ अदब में जो तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं वो एक लिहाज से यकसां तो हैं, लेकिन पिछली सदी और पिछले 50 बरस हमारे लिए एक तरह से शायरी की सदी थी, और आज की सदी जो शुरू हो रही है ये बता रही है कि अब रुझान नावल की तरफ है, यानी नया नावल जिस तरह से सामने आ रहा है और जो एक नई नस्ल सामने आ रही है वो तजर्बा पसंद भी है, और तजर्बा पसंदी के एक यानी जदीदियत के जवाल के बाद तजर्बा पसंदी की तरफ नई नस्ल रुजू नहीं थी, और इसी तरह से तरक्की पसंदी के बाद इक्तिसादी और माशी मसले और अखलाकी मसले ये इन मसलों पर गुफ्तगू करने के बाने ये हैं कि आप एक जवाल पसंद हैं, और ये जवाल पसंदी नाम दिया था तरक्की पसंदों ने जदीदियों के लिए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आज के अदब को समझना इतना आसान नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो अक्सर रिसाइल के इदारियों में ये बात यानी पुरजोर तरीके से की जाती है कि आज जमूद तारी है और आज अदब में सुस्त रवि पाई जाती है, गोया के किसी एक तहरीक जैसे तकसीम वतन का सानहा था, या पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम थी, या एटीवी जंगें हैं, जब तक कि कोई बड़ा सानहा रुनमा ना हो उस वक्त तक अच्छा अदब तख्लीक नहीं हो सकता, हालांकि ये कोई पैमाना नहीं है। यानी मीर के ज़माने में और गालिब के ज़माने में जो कुछ भी हुआ तारीख़ी दौर में, वो तारीख़ी दौर का एक सिलसिला ऐसा था जिसमें गालिब ने दोनों दौर देखे थे। मीरा जी के ज़माने में, मीर के ज़माने में तो मीर खुद फौजी बनकर फौजियों के साथ रहे थे, उनके राजाओं के साथ रहे थे, जंगों में भी हिस्सा लिया था उन्होंने। तो इस लिहाज से वो तमाम शोरा उस ज़माने के, चाहे वो मीर हो चाहे वो गालिब हो, उस ज़माने में इस तरह के तारीखी, इस तरह के वाक़ियात, जिस तरह के आज वाक़ियात रुनुमा हो रहे हैं, अगर ये हमारे नावलों में, अगर हमारी शायरी में ये तशद्दुद नज़र आता है, ये खून का जिक्र ज़्यादा आता है, आज इतनी बेयकीनी के बजाय बेज़मीनी का एहसास शदी हो रहा है, आज लिंग्विस्टिक सेंसिटिविटी यानी जैसे हम ये भी कहें कि एक तरह से इंटेंसिटी ऑफ एक्सिस्टेंस जो आज के नावल में और आज की शायरी में नज़र आ रहा है, ये लिसानियाती हिस्सियत में जो शिद्दत है, ये शिद्दत किसी और ज़माने में नहीं मिलती है। आज इस तरह से एक माशरा और शायर के बीच में जो बहुत से सवालात पैदा हो गए हैं, इस तरह के सवालात पहले पैदा नहीं हुए थे। तो इस लिहाज से बहुत सी हैं, पहले कुछ तबकाती मसाइल वगैरह थे, या आज भी कुछ ऐसे मसाइल हैं, जैसे कि ज़किया मशहदी का नावल आया तो उसमें भी उन्होंने एक तरह से दो मजहब के माबेन जो हैं, एक हीरो और हीरोइन वो शादी करते हैं, मसला बच्चे का होता है कि बच्चा जो है वो क्या है, तो वो उस बुल्ले शाह का एक हवाला देते हुए कि वो समझता, वो सोचता है कि मैं कौन हूँ, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, ये मसला उसके लिए बहुत टेढ़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस नावल की टेक्निक जिंदा टेक्निक है जो हर दौर में ज़िंदा रहने वाली है, या उसका सिर्फ मौजू इतना अहमियत रखता है कि वो उसे ज़िंदा रखेगा। जाहिर है कि सिर्फ मौजू कोई मायने नहीं रखता। आपका मौजू सहाफत पर देख लीजिए, ये तमाम आज की खबरें सुन लीजिए कि कितनी ज़्यादा खून और तशद्दुद और किस तरह से लड़कियों के साथ जो सलूक किया, औरत के साथ जो सलूक किया जाता है, वो तमाम जो सलूक नज़र आता है उसमें, या खुदकुशियों की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, या फिर हजूमी तशद्दुद की जो सूरतें पैदा हो रही हैं, और जिस तरह से कि पहले की लोनलीनेस की बात अलग थी, वो एक नफ्सियाती वजह थी, लेकिन आज की लोनलीनेस की सबसे बड़ी वजह यह है सियासी। इसलिए बेंजामिन ने कहा था कि एक लफ्ज भी इस्तेमाल करता है अदीब तो वो सियासी होता है, गोया कि सियासत से लगा हुआ होता है, और सियासत के बगैर
کوئی تحریر سامنے نہیں آتی، چاہے وہ تخلیق ہو چاہے وہ کوئی تحریر ہو۔ اس لحاظ سے اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے جب سیاسی طور پر ہم ترقی پسندی کو کہتے تھے کہ بھی سیاسی تحریک ہے، اب تحریک کی ضرورت نہیں ہے، اب ذہن و ضمیر کی آزادی اتنی ہے کہ پہلے تنقید نے تخلیق کار کو اپنا تابع محمل بنا دیا تھا، وہ تنقید کی راہ پہ چلتا تھا وہ، لیکن آج کا شاعر آج کا ادیب تنقید کی راہ پر اس لیے نہیں چلتا کہ آج سے زیادہ بری تنقید کبھی نہیں لکھی گئی، اور جب بری تنقید لکھی جاتی ہے تو اچھی تخلیق کا تصور آپ نہیں کر سکتے، اور ہر اس زمان کی کا المیہ ہے جب تنقید زیادہ لکھی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے، وہ کوئی نیک فال نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا تخلیق ادب نہیں لکھا جا رہا ہے اور اس کی جگہ بری تنقید جو لکھی جا رہی ہے، یہ تنقید کی زیادتی شعبوں میں پڑھے ہوئے لڑکے ریسرچ اسکالرس جو کچھ بھی ادھر ادھر سے پڑھتے ہیں اور وہ تمام الگ الگ رسائل میں آتے ہیں، بیٹھی ہوئی شہناز نبی یہ جانتی ہیں کہ ان سے فرار نہیں ہے، وہی لڑکے جو لکھتے ہیں۔ تو اس لیے اب تنقید میں جو بین العلومیت تھی، جو ہمارے بزرگوں کی یہاں پائی جاتی تھی، ایک انٹر ڈسپلنری تھی، وہ ہمارے یہاں مفقود ہے۔ اس لحاظ سے یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ہم بین العلومی نہیں ہیں تو آپ یہ کس طرح سے، یا بین النظریاتی نہیں ہیں تو آپ کس طرح سے اچھے اعلیٰ ادب اور ایک ایسے ادب کا تصور کر سکتے ہیں کہ جو کہ تمام طرح طرح کے تعصبات سے بعید ہو۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آج کے ادیب کی ہم تحسین کرتے ہیں کہ وہ اپنی راہ خود متعین کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آج کے پیریڈ میں جو مابعد جدید پیریڈ ہے، ہم کہتے ہیں کہ مابعد جدید ہے، ہرمس مس کہتا ہے کہ نہیں مابعد جدید نہیں ہے، یہ اعلیٰ جدیدیت ہے یہ، اور لیوتار کہتا ہے کہ مابعد جدیدیت 1960 میں شروع ہوئی تھی، جو گویا کہ 1960 میں ہمارے یہاں جدیدیت شروع ہوئی تھی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مابعد جدیدیت اور جدیدیت کے جو تصورات ہیں، جدیدیت کے تحت تو کلاسیکیت سامنے آ رہی تھی، اور ایک کتاب تھی نئے کلاسک کے نام سے، قاضی سلیم نے اس زمانے میں مرتب کی تھی اگر آپ کو یاد ہو، تو وہ نئے کلاسک اس لیے تھا کہ وہ شروع میں جو جدیدیت پہ شدت تھی، تجربہ پسندی تھی، تو ترقی پسندی کے خلاف جو ایک محاذ آرائی تھی، اس کی وجہ سے تمام اصناف کی حدیں ٹوٹ گئی تھی۔ اب آپ کو افسادہ پڑھیں گے تو انشائیہ بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، انشائیہ بھی نظر آئے، آپ انشائیہ پڑھ رہے تو افسانیت بھی نظر آ سکتی ہے، لیکن جب یہی ایک تحریک کی شکل اختیار کر جاتی ہے، یہی چیز جب ایک عام طور پر ہر انشائیہ میں نظر آتی ہے، تو پھر اس وقت یہ سوال اٹھتا ہے کہ صنفی حدود کے کیا معنی ہوئے، کیونکہ ہر صنف کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ تقاضوں کو ہمیں تسلیم کر کے چلنا پڑتا ہے، چاہے وہ غزل ہو یا نظم ہو یا افسانہ ہو۔ لیکن آج کے ناول کو پڑھتے ہوئے جو میں بہت زیادہ اس پر غور و خوض کرتا ہوں، کہ جو نریٹیوٹی کا نیا تصور ہے، جو نریٹیو لیولس اس میں نظر آتے ہیں، جو ایپیسوڈک اسٹرکچر اس میں نظر آتے ہیں، جو مضمونی ساخت نظر آتی ہے، یہ ساختیں جس میں کہ نریٹی جو ہے وہ ایک مفروضہ کردار ہے، اس کو آپ کو تلاش کرنا ہے، وہ مفروضہ کردار بار بار بدل رہا ہے، راوی بار بار کردار میں لوگ بدل رہا ہے، گویا کہ ہمیں اسکرین پر فلموں کی طرح سے ایک چیز سامنے آئی اور پھر اس کے بعد ہی ایک دوسری چیز سامنے آئی اسکرین پر، پھر تیسری سامنے آئی، تو یہ اس طرح سے کمپیوٹر نے اور فلموں نے ہمارے ادب کو بھی جو متاثر کیا ہے، اس میں وہ سیدھی سادھی ایک لکیر نظر نہیں آتی کہ آپ سوچیں کہ ایک لکیر کی طرح سے یہ افسانہ ہوگا۔ یہ نظموں میں بھی ہے، پہلے مرکزیت کی بات ہوتی تھی، پہلے تنظیم کی بات ہوتی تھی، پہلے ایک آرگینک فارم کی بات ہوتی تھی، لیکن آج فریمڈ نیریٹیوز کی بات ہو رہی ہے، آج جو بات ہو رہی ہے لا مرکزیت کی ہو رہی ہے، کیونکہ سماج میں ہر چیز مرکز سے ہٹ گئی ہے،
तमाम सार्फियत या बाजार छाया हुआ है, बाजार से लेकर घरों तक, घर भी बाजार बन गए हैं, अब तो टीवीज के लिए घर भी बाजार बन गए हैं। मोबिलिटी इस कदर आ गई है कि हम घर बैठे हर चीज मंगवाते हैं, तो सबसे पहले बच्चा कहता है कि ये मंगवाओ, और मालूम ये हुआ कि उसको मालूम है इसका नाम, और ये कहाँ से मिलता है, कौन सी जगह है, उसको इस बात का इल्म होता है जिसका आपको भी इल्म नहीं होता, गोया कि घर बाजार बन गए हैं। अब कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो बिकाऊ नहीं है, पहले जिस्म बिकाऊ था, अब ख्याल बिकाऊ है, अकीदा भी बिकाऊ है, लफ्ज़ बिकाऊ है, नज़रिया बिकाऊ है, ये तमाम चीज़ें आपको आज के पीरियड में, आज के नावल में, आज के शायरी में ये मिलेंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें, चूँकि अभी इन्होंने कहा है कि तुम मुख्तसर कीजिए, और शायद साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को शायद ज़्यादा भी हो, तो मैं इसे मैं एक दो मिनट और लेकर ख़त्म करूँगा कि हमें बहरहाल मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत तफसीली बहस है ये, इसमें बहुत सी बातें आएंगी, इसमें नाम भी आएंगे, हमने नामों का शुमार इसलिए नहीं किया कि यही शह पर रसूल साहब भी मौजूद हैं, यहाँ शहनाज नबी भी मौजूद हैं, यहाँ अल्ताफ अंजुम साहब भी मौजूद हैं, यहाँ कुद्दूस जावेद साहब भी मौजूद हैं, इब्ने कवर साहब भी मौजूद हैं, और बहुत से शायर व अदीब हैं जो कि इन सब के नाम सामने आएंगे, कुछ रह जाएंगे तो फिर उनको शिकायत का मौका मिलेगा। मैंने इसलिए वो मिसालें भी मैं ही पेश कर रहा हूँ, अब तक लिखा हुआ भी मैं पेश नहीं कर रहा हूँ, और इसे इख्तसार के साथ मैं यही, चूँकि ये बहुत बड़ा मौजू है और मैं इस पर मैं बहुत सोचता रहा हूँ, और मैं इस पर बहुत दिख चुका हूँ, और ये तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तो इस लिहाज से मैं इसे किसी और वक्त के लिए, ये तीन दिन के सेमिनार का, तीन दिन का है सेमिनार, उसमें किसी और वक्त इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, अगर आप हजरात बोर नहीं हुए तो। शुक्रिया आपका बहुत 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 शुक्रिया प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब। हाज़रीन, आप प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब का पुरमग़्ज़ कलीदी खुतबा समात फरमा रहे थे। हजरात, अब ग़ालिब इंस्टीट्यूट की नई मुतबात की रस्म इजरा इज़्ज़त माप नजीब जंग साहब, प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान किदवाई साहब और प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब के दस्ते मुबारक से अमल में आएगी, जिनकी तरतीब मतबात की तरतीब इस तरह है। गालिब की शायरी में नफ़ी व असबात, ज़िक्र हाफिज़, मिर्ज़ा दबीर, अहद और शेरी कायनात। गालिब हिंदी अदीबों के दरमियान मजामीन मौलवी महेश प्रसाद, गालिब नामा जुलाई तक दिसंबर 2021। ये प्रोफेसर शमीम हनफी साहब का खसूसी नंबर है जिसको डॉक्टर सरुलहुदा साहब ने तरतीब दिया है, और मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ सर कि वो परसों जो है उनका इंतखाब प्रोफेसरशिप के लिए हो गया है, उन्हें आज आना था लेकिन किसी अजीज़ की शादी की वजह से वो यहाँ तशरीफ नहीं ला पाए। गालिब नामा जनवरी ता जून 2022, ये हमने गालिब इंस्टीट्यूट के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर सैयद रज़ा हैदर साहब को खराज अकीदत पेश किया है, उनकी तस्वीर और उनके ऊपर मजामीन उसके अंदर शामिल है, और इंशाल्लाह जब जल्द जो है आप लोगों के रूबरू होगा। मेरी दरख्वास्त है डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा से कि गालिब इंस्टीट्यूट की मतबूआत के बारे में मुख्तसर तारुफ पेश फरमाएं। डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा। अच्छा ठीक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली किताब गालिब की शायरी में नफी व असबात, 2019 में गालिब सदी के मौके पर इस मौजू पर सेमिनार मुनक्किद किया गया था, जिसमें पेश करदा मकालात को किताबी शक्ल में पिरोया गया है। इस किताब के मुरत्तब करदा जनाब सदीक़ुर रहमान किदवाई साहब हैं। इस किताब में जो मजामीन शामिल हैं वो बेहद अहम मौजूआत का अहाता करते हैं। इदारा इस किताब की इशात और इजरा पर बेहद खुशी महसूस करता है।
गालिब की शायरी में नफी व इस्बात। जिक्र हाफिज सज्जाद ज़हीर की किताब है, जो एक रुझान साज अदीब के तौर पर जाने और तस्लीम किए जाते हैं। जिक्र हाफिज में सज्जाद ज़हीर की काबिल क़द्र तसनीफात हैं। ये किताब बलूचिस्तान की जेल में क़ैद के दौरान लिखी गई थी। इदारा इस किताब की इशात और इजरा पर दिली खुशी का इजहार करता है। मिर्ज़ा दबीर अहद और शेरी कायनात। अच्छा, मिर्ज़ा दबीर अहद और शेरी कायनात, मुरतबा डॉक्टर इदरीस अहमद। ये किताब, जिसका इंतसाब सैयद रज़ा हैदर के नाम है, उन्होंने ही बड़े ज़ौक व शौक़ से मिर्ज़ा दबीर अहद और शेरी कायनात के मौजू से एक सेमिनार मुनक़िद किया था। इस सेमिनार और इसके इनाकात से उन्हें ख़ास दिलचस्पी थी। प्रोफेसर फजल इमाम, प्रोफेसर ज़फ़र अहमद सिद्दीकी और प्रोफेसर मौला बख्श इस सेमिनार में मकाला निगार की हैसियत से शरीक थे। अफसोस कि अब उनमें से कोई भी हमारे दरमियान नहीं है। इस किताब की इशात और इजरा हमारे लिए जज्बाती लम्हा है। रज़ा हैदर बरहूम की ख्वाहिश और एहतराम में ही इस किताब का इंतसाब सैयद रज़ा हैदर के नाम है। इस किताब में तकरीबन 24 मकाले शामिल हैं। इदारा इस किताब के इजरा में खुशी महसूस कर रहा है और साथ ही रज़ा हैदर को खराज अकीदत भी पेश करता है। मिर्ज़ा दबीर अहद और शेरी कायनात। गालिब जी जी अच्छा अच्छा जी जी यही कर रही हूँ मैं जी, वो मैं रिपीट कर रही थी। गालिब हिंदी अदीबों के दरमियान, मुतरजिम नौशाद मंजर। नौशाद मंजर साहब अगर तशरीफ़ रखते हों तो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। यूँ तो हिंदुस्तान की बेशतर ज़बानों में गालिब का कलाम मौजूद है, मगर हिंदी अदीबों और कारईन ने गालिब को जिस तरह देखा और महसूस किया है, वो कई अतबार से अहम है। नौशाद मंजर ने हिंदी में गालिब के मुतालिक हिंदी अदीबों के अहम मजामीन को जमा किया है और उन्हें उर्दू का जामा पहनाया है। ये मजामीन हैं तो हिंदी अदीबों के, मगर उन्हें उर्दू रस्मुलख़त में पढ़ना एक नए तजर्बे का एहसास कराता है। नौशाद मंजर ने बहुत मेहनत और सलीक़े से इन मजामीन का उर्दू में तर्जुमा किया है। इदारा इस किताब की इशात और इजरा के मौके पर बेहद खुशी महसूस कर रहा है और नौशाद मंजर साहब को बेहद मुबारकबाद पेश करता है। मजामीने मौलवी महेश प्रसाद, मुरतबा अब्दुल समी। मौलवी महेश प्रसाद का नाम यूँ तो उर्दू तहकीक़ के ताल्लुक से हमारी तारीख़ के सफ़ात पर नक्श है, मगर उनके बारे में लोगों की मालूमात कम ही नहीं बल्कि ना के बराबर हैं, क्योंकि उनके बारे में जो कुछ लिखा जाना चाहिए था उनकी ज़िंदगी में नहीं लिखा गया। मौलवी महेश प्रसाद की मुतअद्दिद तहरीरें मुख्तलिफ़ मौक़ों पर शाया होती रही हैं, मगर वो अभी तक बिखरी हुई थीं। जनाब अब्दुल समी ने बड़ी मेहनत और दीदारेजी से उन्हें हासिल करके मुरतब किया है। इदारा उनको मुबारकबाद भी पेश करता है और इस किताब की इशात और इजरा पर बेहद खुशी महसूस कर रहा है। शशमाही गालिब नामा शमीम हनफी नंबर, जो खसूसी शुमारा है, जुलाई ता दिसंबर 2021। गालिब इंस्टीट्यूट से शमीम हनफी साहब का गहरा ताल्लुक़ था। वो गालिब नामा की मजलिस इदारत में भी शामिल थे, इंस्टीट्यूट की दीगर कमेटियों में भी वो शरीक थे। क्या पता था कि गालिब नामा का एक शुमारा
उनकी याद में भी मुरत्तब करना पड़ेगा। यूँ ज़िंदगी में उन्होंने अपने मुतालिक कोई भी गोशा निकालने की सख्त मुखालफत की। जो एक दो गोशे शाया हुए वो भी उनकी मर्ज़ी के बग़ैर। शमीम हनफी पर गालिब नामे का ये नंबर इदारे की तरफ से उन्हें खराज अकीदत है, जिसे सरवरुल हुदा साहब ने बहुत ही दीदारेजी के साथ और बहुत ही खूबसूरती से मुरत्तब किया है। इदारा उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता है और बेहद खुशी महसूस कर रहा है इसकी शाद और इजरा पर। गालिब नामा शशमाही जनवरी ता जून 2021 गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर तमाम ये शशमाही रिसाला उर्दू में इल्मी और तहकीकी रफ्तार का आईना है। इस रिसाले में बेहद अहम और जैद अदीबों के मजामीन शामिल हैं। अतीकुल्ला साहब, मिर्ज़ा हामिद बेग, रऊफ़ पारेख, कैसर जमा इस और असलम जमशेदपुरी वगैरह सभी के मजामीन इसमें शामिल हैं। इदारा इस किताब की इशात और इजरा पर बेहद खुशी का इजहार करता है। शशमाही गालिब नामा जनवरी ता जून 2021। और अब हम आते हैं हमारी गालिब इंस्टीट्यूट की डायरी 2022 पर। आप सभी जानते हैं कि हम बड़ी बेसब्री से इस डायरी का और कैलेंडर का इंतज़ार करते हैं। मेरे ख्याल में दिल्ली वाले तो बहुत बेसब्री से करते हैं इसका इंतज़ार। गालिब इंस्टीट्यूट की डायरी 2022, जिसमें गालिब के अशार के अलावा दूसरे शोरा के भी मुंतखब अशार शामिल हैं। आप सभी जानते हैं कि गालिब इंस्टीट्यूट हर साल ये डायरी हमारे लिए पेश करता है। हम बहुत ही मुबारकबाद देते हैं और बेहद खुशी के साथ आज उसका इजरा हो रहा है। गालिब इंस्टीट्यूट की डायरी 2022 और कैलेंडर। इस बार का कैलेंडर याद रफ्तगा के नाम है। थोड़ा दुख महसूस कर रही हूँ मैं ये कहते हुए कि ये वो तकलीफ दे लम्हा है जब हमने कोरोना की वजह से अपनी बहुत ही मशहूर और मारूफ अदबी शख्सियात को खो दिया है। इदारा मरहूमीन को खराज अकीदत पेश करते हुए इस कैलेंडर का इजरा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया दरीस साहब और सभी लोगों का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा। हजरात, इस मौके पर गालिब इंस्टीट्यूट की नई वेबसाइट लॉन्च होगी, जिसका अफ्तिताह इज़्ज़त माँ नजीब जंग साहब फरमाएंगे। मेरी दरख्वास्त है इज़्ज़त माँ नजीब जंग साहब से बराह करम वेबसाइट का अफ्तिताह फरमाएं। अयूब साहब से दरख्वास्त है कि आप आकर के क्लिक जी सर नहीं हो गया स्लोली अच्छा ट्वाइस जी जी डू डू इस स्टेप पे चले जाइए सर। अच्छा प्रोजेक्टर का है जी तकिए पर सर। डन इसे नहीं करते हैं जी, अभी तो चल रहा है जी, लोड हो रही है। वाह लवली, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। अब मैं जनाब से आता हूँ जी, ठीक है। लाइब्रेरी वगैरह सब पहुँचता है कम सर।
बहुत शुक्रिया नजीब जंग साहब। सर, इस वेबसाइट की खासियत यह है कि अब गालिब इंस्टीट्यूट की तमाम किताबें जो हमारी अपनी पब्लिश की हुई हैं, गालिब नामा है, ये सब ऑनलाइन होगा। उसके अलावा गालिब ऑडिटोरियम की बुकिंग, गालिब इंस्टीट्यूट की मतबूआत की फ़रोग और लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, सब आप इसको बराह रास्त दे सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। और नए प्रोग्राम के बारे में भी जितने हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम होंगे या हमारे फेस टू फेस प्रोग्राम होंगे, सेमिनार होंगे, जो भी हमारी तकारीब होंगी, उसकी सबकी तफसील हमारी वेबसाइट पर के ऊपर मौजूद होगी। जिस वेबसाइट का इफ्तिताह अभी अमल में आया है, उसके मुख्तसर तारुफ के लिए मैं अय्यूब साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप इसकी इफादियात, इसके इस्तेमाल के बारे में अपने ख्याल के साथ फरमाएँ। अय्यूब साहब जी, जी टेंशन दे, समझ रहा था कि शायद हो गया, समझ रहा था शायद हो गया जी। जैसे इदरीस साहब ने बताया कि हमने जो है वेबसाइट इसलिए बनाई है कि गालिब इंस्टीट्यूट का जितना भी काम है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, पब्लिकेशंस हैं, इवेंट्स हैं, हर चीज़ जो है आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल होगी। और बीच में जैसे शुरू में भी बात हुई कि लोग जो हैं अब ज़्यादातर ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं, तो इसमें हमने ये करा है कि नई चीज़ें लाने की कोशिश करी है, और कोशिश ये है कि लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गालिब इंस्टीट्यूट पहुँचे। जैसे हमने शेयर ऑफ द डे, आर्टिकल ऑफ द डे, ऐसी बुक ऑफ द मंथ है कि एडिटोरियल या सिद्दीक साहब हैं और लोग जो हैं यहाँ के, वो कौन सी बुक रेफ़र करते हैं, लोगों से चाहते हैं पढ़ें, तो वो सब का भी हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है। इवेंट्स एट इंस्टीट्यूट, जिसमें अभी तक ये होता है कि अक्सर लोगों को नहीं पता चल पाता, अगर उन्होंने व्हाट्सएप अपना नहीं देखा, ईमेल नहीं देखी या इन्विटेशन नहीं दिया, तो वो भी वो नहीं यहाँ से पता चल जाएगा कि इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं। इसी तरह से मेन सेक्शन है, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, सब कुछ आपको यहाँ पे वन क्लिक मिल जाएगा। इवन ऑडिटोरियम अगर बुक करना है, तो ऑडिटोरियम बुक करने के लिए भी यहाँ पे कॉल करने की, यहाँ पे ईमेल करने की, किसी को कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आप बुक करिए ऑडिटोरियम। आपको यहाँ पे कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं, कौन सी डेट्स अवेलेबल नहीं है, सब कुछ आप लोग चेक कर सकते हैं, बजाय इसके कि यहाँ पर आएँ फिर वेट करें, उस सब की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमने न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन का दिया है, आप लोग अपना नाम, ईमेल आईडी करें, सब्सक्राइब कर दें, न्यूज़लेटर पे सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। इसमें जो एक चीज़ हमने की है, जैसे पब्लिकेशंस है, पब्लिकेशंस के लिए आपको ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं, और इसमें ऑनलाइन परचेज ही नहीं, बल्कि अभी हमारा एक ये भी है कि इसमें बहुत कुछ हम डिजिटल में भी कन्वर्ट करेंगे, जो कि डाउनलोडेबल होगा, आप लोग उसको डाउनलोड करके खुद रीड कर सकते हैं, आपको उसको परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से लाइब्रेरी में होता था कि अब लाइब्रेरी में कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, कौन सी नहीं है, वो सब भी आपको यहाँ पे मौजूद रहेगा कि हाँ ये बुक्स अवेलेबल हैं लाइब्रेरी की, और यहाँ पे आके पढ़नी है नहीं पढ़नी, वो सब आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल में अब गज़ल का प्रोग्राम शुरू होना है, तो अब बस उम्मीद यही है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट को ब्राउज करें, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दीजिए, भले ही क्रिटिसाइज़ करिए कोई बात नहीं है, हमारे लिए मौका होगा बेहतरी का, हम उसको और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। फ्री PDF अभी इस वक्त इस पर नहीं है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप पब्लिकेशंस में जाएंगी, वहाँ पे आप देखेंगी कि कुछ पब्लिकेशंस हैं जिसकी की वैल्यू जो है एक अमाउंट दिया हुआ है, कुछ में अमाउंट ज़ीरो होगा, जिनमें अमाउंट ज़ीरो है वो आपको फ्री में अवेलेबल होगी, वो प्रिंट भी हो सकता है, वो डिजिटल भी हो सकता है, डाउनलोडेबल PDF है, आप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन हर एक के लिए ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा, आप अपना ईमेल आईडी, अपना नाम दीजिए, उससे अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। और इसमें मैं, ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, इसमें इदरीस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे मौका दिया गालिब इंस्टीट्यूट के लिए काम करने का। उसके अलावा यहाँ का स्टाफ, जिसमें मुश्ताक हैं, मेज़र हैं, उमर हैं और तौफीक हैं, सब लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, सब लोगों ने मदद की, उसके बाद ही जाके
हम नहीं कराए और इंशाल्लाह इसको काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। आप लोगों की बस दुआएं चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अयूब साहब। अयूब साहब ने और सैफ किदवाई साहब ने इस वेबसाइट की तैयारी में बहुत मेहनत की है। दिन रात ये लगे रहे, बार बार फ़ोन करना, तमाम मालूमात हासिल करना और उसको डाउनलोड करना, तो इन तमाम मराहिल में आपने बहुत मेहनत की है। मैं गालिब इंस्टीट्यूट के अराकीन स्टाफ और अपनी जानिब से इज़्ज़त माब नजीब जंग साहब, प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी साहब, प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब, प्रोफेसर सदीक़ुर्रहमान किदवाई साहब और तमाम हाजरीन का बेहद मशहूर ममनून हूँ कि आप हजरात ने तकरीब में शिरकत फरमा कर इसको कामयाब बनाया। मैं गालिब इंस्टीट्यूट के अराकीन और अपनी जानिब से इंस्टीट्यूट के स्टाफ यास्मीन साहिबा, अब्दुल तौफीक, मोहम्मद उमर साहब, रियाज साहब, महजर साहब, मुश्ताक साहब, परवेज़ आलम, अश्वनी साहब, मसीहुद्दीन साहब, अफरोज़ अली, सलमान हैदर, विजय कुमार, चरणदास, बालकिशन, सुशील कुमार, अनिल कुमार, जनाब मज़र अहमद, अजीज़ प्रिंटिंग प्रेस, जिनको हमने अभी दो दिन पहले गालिब नामा उनको शाया करने के लिए दिया था और उन्होंने कल वो शाया करके हमें ला दिया। इसी तरह से असीला ऑफसेट के जावेद मियां साहब का भी बेहद मशहूर और ममनून हूँ कि उनका तो यह है कि आज आप किताब उनको दे दीजिए और कल वो छाप करके आपको पहुँचा देंगे। वेबसाइट के डिज़ाइनर डेवलपर मोहम्मद अयूब साहब का बेहद मशहूर और ममनून हूँ। विजय साहब जिन्होंने हमारे तमाम बैनर तैयार किए हैं, कार्ड तैयार किए हैं, उनका भी मशहूर और ममनून हूँ। मैं सभी लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वक्त की परवाह किए बगैर पूरी मेहनत और खलूस के साथ तकरीबात के इंतज़ाम को अंजाम दिया। ये गालिब सदी के बाद जब ऐवान गालिब तामीर हुआ तब से ये बैन अल-अक़वामी सेमिनार का सिलसिला जारी है और मैं समझता हूँ कि गालिब जैसी आफाकी शख्सियत के लिए की याद के लिए इससे बड़ा प्रोग्राम दुनिया में कहीं नहीं होता। इसमें दुनिया के गोशे गोशे से जहाँ भी उर्दू वाले हैं उनका इंतखाब होता है और वो लोग तशरीफ़ लाते हैं और गालिब ऐवान गालिब और गालिब इंस्टीट्यूट उनका पूरा एज़ाज़ करते हैं, बड़ा एहतराम। और दिल्ली और दिल्ली से बाहर के नहायत अहम उर्दू शख्सियात जो हैं वो इससे इस्तफादा करती हैं, बेहतरीन मकालात पढ़े जाते हैं जो हमारे तलबा के बहुत काम आते हैं और वो किताबों की शक्ल में इस शाया भी करता है। तो हर सेमिनार पर एक मजमुआ तैयार हो जाता है गालिब पर और मैं समझता हूँ कि गालिब के लिए इससे बड़ी कोई तहसीन या खराज अकीदत नहीं हो सकती। शुक्रिया।